हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं बिजौरी कैसे बनाते हैं, जो कि बनता है उड़द दाल और तिल से। बिजौरी जो है मुख्यतः छत्तीसगढ़ के हर घरों में बनता है। बिजौरी को हम मान सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ी पापड़ है। तो बिजौरी बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 किलो उड़द दाल। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और इसे रात भर सोख करके रख देंगे। सुबह हम देखते हैं कि उड़द दाल भीग चुकी है, हम इसे पीस लेंगे। इसे थोड़ा सा थिक पीसना है इस तरह से, क्योंकि नमक डालेंगे तो ये थोड़ा पतला हो जाएगा। आगे हमने ले लिया है अदरक और ले लिया है हरी मिर्ची। इन सब का अदरक और जो ग्रीन चिली का पेस्ट है उसमें बहुत कम पानी डालकर पीसना है, वरना जो पेस्ट होता है वो पतला हो जाता है बाद में। अब जो उड़द दाल है उसमें हम मिक्स कर देंगे 1 किलो तिल। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने अदरक और मिर्च का पेस्ट, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बारी है इसमें डालने की नमक, तो हम इसमें नमक भी डाल देते हैं। तो लीजिए, बिजौरी हो गई है तैयार। अब बारी है इसे सुखाने के लिए। तो हम छत पे आ चुके हैं। ये है हमारी मौसी सास और ये है मेरी सासू माँ, जो पानी छिड़क रही हैं। वो बनाने वाले हैं बिजौरी। जो मेन काम है वो यही है, शेप देना। एक एक करके शेप देना होता है, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है, तो इसमें काफ़ी समय लगने वाला है। तो हमारे आज के बिजौरी के हीरो हैं मौसी सास एंड सासू माँ। तो इस तरह की हमारी बिजौरियाँ जो है वो गोल गोल हो रही हैं तैयार। ये है मौसी सास, ये है सासू माँ, और ये जो बिजौरी है उसे सूखने में लगेंगे 2 दिन। जब अच्छी धूप हो तब इसे बनाया जाता है। मुख्यतः शादी में, जब लड़कियों की शादी होती है, तो ये बिजौरी और जो बड़ी होती हैं उन्हें पैक करके डाला जाता है, उसी के लिए बनाया जा रहा है ये बिजौरी। शादी होने वाली है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते जो सभी शादियां हैं वो पोस्टपोन हो चुकी हैं, तो अब पता नहीं कब होगी शादी। लेकिन हमारी जो बिजौरी और बड़ी है वो बन के हो गई है तैयार। जो मेरी मौसी सास है उनकी बेटी की होने वाली है शादी। जब बिजौरी एक तरफ सूख जाएगी तो उसे पलटने के लिए आराम से निकालना होता है, क्योंकि कई बार ये साड़ी में भी चिपक जाते हैं तो टूटने का डर रहता है। तो इसे आराम से निकालते हुए दूसरी तरफ से पलट के भी सुखाते हैं। 2-3 दिन का टाइम लगता है इसे सूखने के लिए। तो हमारी जो बिजौरियाँ हैं वो सूख चुकी है। अब हम इसे तल कर निकाल लेते हैं। और जब सब्जी बनाने का मन नहीं करता तो चावल दाल के साथ भी बिजौरियों को खाया जाता है, पापड़ के साथ, या फिर आप चावल दाल सब्जी के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर ज़रूर करें। क्या आपके घर में भी बिजौरियाँ बनती हैं? आप इसे क्या कहकर बुलाते हैं हमें ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग बेवरली कॉर्नर।